हम लोग पिछले 1.5 साल से आंदोलन चला रहे हैं। यहाँ भी हम लोग पहले आंदोलन पे ही कर बैठे थे, 15 दिन हम लोग आंदोलन पे बैठे थे, लेकिन 15 दिन के बाद भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण हम लोग ये जान की बाजी लगाने उपोषण पे बैठे। आप देख सकते हैं मैम, अभी ये 70 लड़के देश के युवा 70 लड़के आज उपोषण पे बैठे, देश की सेवा करने के लिए आज उपोषण पे बैठने पड़ रहा है, फिर भी यहाँ पर हम लोग की कोई ध्यान नहीं दे रहा। रास्ते पे हम लोग सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, दिल्ली में भी हम लोग फुटपाथ पे सोए, बारिश में भगे, लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कों को घसीटा गया, पुलिस स्टेशन जमा किया गया, फिर भी हम लोग की बात कोई ध्यान में नहीं सुना। यहाँ तक कि हम लोग की बात जो संसद में है, हम लोग की संसद में 3 बार उठाई गई, फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं किया। आज भी जो पिछले महीने 28 तारीख को बाड़ेबाव धानेकर जो चंद्रपुर के सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने भी हमारी बात संसद में उठाई थी, फिर भी कोई उन पर सुनवाई नहीं हो रहा। आज हम लोग मरने के लिए तैयार है, देश की सेवा करने के लिए तैयार है। एक इधर देश की सेवा करने के लिए सैनिक मिल नहीं रही है, और दूसरे इधर सेवा करने के लिए आज हम लोग मर रहे हैं। आज कोई कलेक्टर या मिनिस्टर का बेटा देश की सेवा करने नहीं जाता, किसान के बेटे जाते हैं खाली। हम लोग के पापा लोगों को सेवा करने के लिए खेती करते हैं, उनका पेट पालने के लिए, और हम लोग देश सेवा करने के लिए आज उपोषण पे बैठना पड़ रहा है। कितनी सौगान की है महाराष्ट्र में। आज भी हमारे सीएम ना, हमारे सीएम देखने आते ना, 48 सांसद है, 48 सांसद में से कोई भी सांसद हम लोग को देखने नहीं गया। क्यों? हम लोग मिनिस्टर के बेटे नहीं है, इसी कारण हम लोग गरीब परिवार से, इसी कारण आज हम लोग मरने आए हैं यहाँ पे, देश की सेवा करने आए हैं। कौन सी गोली कब आपके हम लोग के लगे, हम लोग कब मरे, ये हम लोग को पता नहीं रहता, फिर भी हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। हम लोग की गलती क्या है? मेडिकल पीडिकल है, क्वालिफाई भी है, फिजिकल क्वालिफाई है, पेपर क्वालिफाई है, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सुधा हुआ है, फिर भी हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं जारी कर रहे? जो देश के है गृहमंत्री, उनसे हम लोग का यही निवेदन है कि जो अनशन पे भर्ती है, कम से कम 5000 वैकेंसी है। हम लोग भीख थोड़ी मांग रहे, अपना हक मांग रहे ना, क्लास वन की पोस्ट थोड़ी मांग रहे हम लोग, खाली वो पोस्ट मांग रहे हैं जो डिफेंस, जो सरहद पे खड़ी रहती है, सरहद की पोस्ट मांग रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को पोस्ट क्यों नहीं मिल रही है? हम लोग सब क्वालिफाई है। तो हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि जो गृहमंत्री अमित शाह जी से कि हम लोग को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करें। आज जो हॉस्पिटल में लड़के जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, अभी उनका बॉडी जो है पानी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनके जो किडनी पे लोड इतना कर रहा है कि कब लड़के निकल जाए ऊपर वो भी पता नहीं है। 40-40, 50-50 सलाइन लेके फिर भी लड़के देश सेवा करने के लिए यहाँ डटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गरिमा देखते हुए उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये लड़के मर रहे हैं। कम से कम 1.5 साल से हम लोग सभी सांसद के, भारत के जितने भी सांसद हैं, धूप हो, पानी हो, कोई भी हो, ठंड हो, हम लोग पूरे घूमे, फुटपाथ पे सोए हैं मैम, फुटपाथ पे, और वहाँ भी अभी कोई रिस्पांस नहीं है। युवाओं को सिर्फ आंदोलन करके अपना हक मांगना पड़ रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सरकार पूरी जिम्मेदार है। कई आप देख सकते हो चुनाव के टाइम ये बोले बड़े बातें करती है, रोजगार की बात करते हैं, और रोजगार देने की बात आती है तो भूल जाती है। एक देश के गृह मंत्री को मिलने के लिए हम लोग 1.5 साल से दिल्ली के रास्ते पे भटक रहे थे, देश के ये हम लोग को गृह मंत्री मिल नहीं सकते, और चुनाव के समय एक एक घर में जाके आप वोट मांगते हो, वो आपको सूट करता है। आप वोट भी तो उन्हीं को देते हैं ना? देखो मैम, वोट हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग देते हैं इसी कारण कि हम लोग की बात वो पहुंचे। हम लोग को थोड़ी पता है कि वो सत्ता में आने के बाद ऐसा करेंगे। तो ये सत्ता पे तो आप ही लोग लाते हैं कि रोजगार मिलेगा, ये होगा, सब होगा, और जबकि आपको पता होता है कि सत्ता में आने के बाद फिर ये लोग वही करने वाले हैं, फिर भी तो आप उनको सर पे चढ़ाए रखते हैं। आपने देखा होगा ईवीएम गायब हो रहा है, ईवीएम मशीन गायब हो रही है, जिस देश में मशीन बनाई वो खुद बैन कर दिया, तो भारत में क्यों चला रहे हो आप? भारत में भी जैसे पहले चल रहा था मतदान वैसे ही चलाओ ना, क्यों वैसे नहीं चला सकते आप? आप ईवीएम बंद कर दो, ये बीजेपी कभी भी आ नहीं सकती। यहाँ तक कि जो गडकरी सर बोले ना, उन्होंने लेटर लिखा है कि उपोषण वाले लड़कों को तुरंत ज्वाइनिंग दे, उस लेटर का क्या जवाब है? 1.5 साल हो गए, उस लेटर एक लेटर का आप जवाब नहीं दे सकते, तो आप बीजेपी में रह क्यों रहे? आज गडकरी सर का कोई बेटा रहता, कोई रिश्तेदार रहता, क्या वो पर्सनल बात नहीं करते? वो भी तो बीजेपी की है, अमित शाह भी तो बीजेपी की है, सरकार भी बीजेपी की है ना, तो आप पर्सनली बात करो ना। 1.5 साल से आप लेटर लेटर खेल रहे, पत्रकार खेल रहे आप,
मजाक चल रहा है, देश के युवाओं के साथ मजाक चल रहा है। आज जान की बाजी लगाई है इन युवाओं के साथ, आप मजाक कर रहे हो।